घर को बीमारियों से महफूज रखने का तरीका। डॉक्टर आयजल खन्नी साहब बैतुल खला बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देने के नुकसान पर बात करते हुए कहते हैं कि ये मामूलात आपकी और आपके ख़ानदान की सलामती के मुतालिक है। वीडियो में दिए गए चंद काम कर लीजिए, आपके जिस्म से मनफी तवानाई का खात्मा होगा और आपके शयातीन कमज़ोर पड़ जाएंगे। नंबर एक, बैतुल खला की सफाई। इस पर कोई समझौता नहीं है और बैतुल खला को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ सुथरा और बदबू से पाक रखें। नंबर दो, रात को सोने से पहले बैतुल खला को साफ और पाक रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर तीन, बैतुल खला का दरवाज़ा हर वक्त और मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर चार, बैतुल खला में कपड़े उतारकर लटकता ना रहने दीजिए। महज एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है इसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन होता है, या कम से कम 72 घंटों के लिए धूप में लटकाने से कुछ गुलोखलासी मुमकिन होती है। नंबर पाँच, मैले उतरे हुए कपड़ों को हमेशा बैतुल खला से बाहर किसी टोकरी में रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर चार, बैतुल खला में कभी भी अतुरात ना रखिए और ना ही इसमें खुशबू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। नंबर सात, बैतुल खला में जाकर रोते हुए हर नौजवान लड़की या लड़के को नसीहत हो कि आइंदा कभी भी और किसी भी हाल में बैतुल खला में खड़े होकर ऐसी हरकत या गुफ्तगू ना करें। बैतुल खला में जाकर रोना आपकी तरफ से शयातीन को खुली दावत होती है कि आपके जिस्म में दाखिल हो जाए या आपके जिस्म को पकड़ में ले लें। इसके अलावा भी ऐसा करने से रिस्क या शादी में देर होती चली जाती है। ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं, बिला सबब गम और अफसरदगी का एहसास होता है और मरगी तक की बीमारी हो सकती है। हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाज़े और खिड़कियां खोलिए, घर में सूरह बकरा की तिलावत चलाइए, आपको बज़ात खुद अपने अंदर और अपने घर वालों में नफ्सियाती बेहतरी महसूस होगी। घर से शयातीन और जरासीम को भगाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिन जिन चीज़ों की धुईं देने का अहदीस नबवी में हुक्म दिया गया है उन चीज़ों की धुईं दिया करें। घर में कलौंजी या बखूर की धुईं ऐसे वक्त ना दीजिए जब घर की खिड़कियां बंद हो। घर में बहुत ज़्यादा शीशे ना लटकाइए और अगर मकसूद हो तो दाखिली दरवाजे के आसपास लटकाएं। घर में ऐसी जगह ना बैठें जहाँ से अभी अभी कोई उठकर गया हो। जागने पर लंबी लंबी सांसें लीजिए, उठते हुए बिस्मिल्लाह पढ़िए। रात में सोने का एक मुस्तकिल वक्त मुकर्रर कर लीजिए और सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत को भी कभी तर्क ना कीजिए। मुबारक हो इनको जिन्होंने इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की आदत हुई, वो अजाब कब्र से नजात का सबब बनेगी। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत से आप और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का हायल होना बाकी रहता है। आपको जिन लोगों से प्यार है इन्हें यह पैगाम भेजिए, नेकी की तरफ तवज्जो दिलाने वाला नेकी करने वाला जैसा अजर पाता है। आप देख रहे हैं 72 टीवी।